हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हम लोग आए हैं नरकली के हाट, लेकिन यहाँ पे जो है हमने ऑलरेडी खा लिया है। ये देखिए, एक स्ट्रीट फूड, बिहार के स्ट्रीट फूड में और चीज़ें। कल हम आपको दिखाया था वहाँ पे चाट वगैरह दिखाया था, ये बिल्कुल सिर्फ सूखा है। ये चने का है और ये नमकीन है, ये फुलौरी है और ये प्याजू है और ये नल्ली, जिसको अपना भाषा में नल्ली कहते हैं। और ये जो इनका जो है ना, बहुत ही फेमस है। ये भाई साहब मुखिया के भाई है। पहले इनके भाई बेचा करते थे, ये बेच रहे, बराबर ना भाई? हाँ, ये डायनेस्टिक वाला है। और ये अच्छे क्वांटिटी में यहाँ पे सेल करते हैं। आप इधर भी देख रहे हैं, इनके पास में स्टॉक में यहाँ पे भी सामान है। और ये भी है, ये सब स्टॉक में इतना बहुत सारा सामान है। ये देखिए, लुया तो दिखाइए ना, लुया लुया। ये देखो, वो भाई साहब छान रहे हैं। हाथ दिखाओ जरा, थम्स अप करो। ये देखो भाई, ये पैकेट कैसे देते हो? ये 5 रुपए का है और ये 10 रुपए का, कितना? 10 रुपए का 10 पीस। और वो 1 रुपए पीस है। अच्छा, और ये कितने का है? अच्छा, 5 रुपए। आप लोग यहाँ पे तो फेमस हो, और कहाँ कहाँ पे जाते हो? कजलामुनी डाकोपरा तो, और नरकली। कजलामुनी डाकोपरा नरकली, 3 जगह पे जाते हो? मतलब हफ्ते में 3 जगह, 3 दिन लगता है, 2 दिन, 2 दिन करके लगता है। अच्छा, नरकली का हाट 2 दिन लगता है, 2 दिन कजलामुनी का और 2 दिन डाकोपरा। तो ये हफ्ते में 6 बार लगाते हैं, 2 बार यहाँ, 2 बार डाकोपरा, 2 बार कजलामुनी लगाते हैं ये। और ये भाई का जो है सेलिंग बहुत अच्छा है। आप ये देखते, अभी हम लोग ने खाया है, हम लोग को टेस्ट अच्छा लगा, इसके लिए मैंने बोला कि चलो शेयर कर देता हूँ वीडियो। YouTube चलाते हो तुम? तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो उसमें आने वाली है। और आप भी शेयर कर देना सबको, जो जो भी आपके कांटेक्ट में होगा उन सबको शेयर कर देना आपका वीडियो। आप पालू में फेमस हो, आप फेमस हो, क्योंकि मैं इनसे पूछा था, बोलते कि मुखिया का भाई है और ये बहुत दिनों से बेच रहे, बहुत अच्छा है। वहाँ पे टेस्ट करो, चलो चलते टेस्ट करने के लिए। इसके लिए हम लोग टेस्ट करने के लिए आए। ये देख लो भाई, पहचान लो, जहाँ भी ये भी आपको अगर ये सब टेस्ट करना रहेगा तो ये आदमी को देख के यहाँ पे, ये 3 जगह पे, कजलामुनी डाकोपरा और नरकली, ये 3 जगह पे आप टेस्ट कर सकते हो इनके पास आके। चलो अब तक के लिए बाय। गुफरान भाई अभी खाया था, लेकिन इनको और टेस्ट करना है, क्योंकि इनका चीज़ है ना इतना टेस्टी है। ये भाई साहब जो है, इनका दिल नहीं भरा है और टेस्ट कर रही है। हाँ, अभी गुलगुल्ला चेक कर रहे हैं, ये सब कुछ, ये सब 3 चीज़ तो चेक कर लिया था, लेकिन अब गुलगुल्ला चेक कर रहे हैं। हाँ बताओ भाई, कैसा टेस्ट? लाजवाब है भाई, लाजवाब है भाई। और इन लोग भी टेस्ट करके बताने वाले कि कैसा है। ये बाकी 2 माशा है। अरे भाई, हम भाग रहा है भाई। ये देखो भाग रहा है। आप नहीं भागेगा, और नहीं भागेगा। चलो आओ टेस्ट करके बताओ कैसा है, बताओ। लुंगी खान दहेली में देखी है आपकी आवाज़। हाँ भाई, बता रहे कि बहुत टेस्टी है, तो हम भी खा के देखते हैं कि टेस्टी है कि नहीं। बिल्कुल फ्रेश है, गर्म है, टेस्टी अच्छा है और 10 रुपए का 10 है। कितना सस्ता है, बहुत चीप रेट है, अच्छा है। मैं बता दूँ, ये जो टेस्ट था ना, ये ऑलमोस्ट 2005-06 में जब हम छोटे थे तब ये टेस्ट मिलता था, लेकिन आज वो टेस्ट जो है यहाँ पे ओरिजिनली जो है इसका बना हुआ, बेसन का बना हुआ जो है यहाँ पे, ओरिजिनल बेसन इस्तेमाल करते लोग, तो वो अब जाके यहाँ जाके अच्छा टेस्ट मिला हम लोग को। और बाकी आपको ये मार्केट दिखाते हैं, ये नरकली हाट है, वो पीछे स्कूल दिख रहा है, उधर पे मछली वछली भी बिकता है, ये सब्जी वब्जी का मार्केट है। चलो और आगे चलते दिखाते हैं आप लोगों को। अभी हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं ये मछली मार्केट की तरफ। यहाँ पे ना भाई, कम से कम 2-3 किलो का जो है ब्रिकेट मच्छी हम लोग ने देखा है। पॉसिबल होगा तो मैं दिखाऊंगा, अगर उसके पास होगा तो। इससे पहले हम लोग देख के गए हैं। हाँ, ये देखो भाई, ये देखो, हमने आपको बोला था ना, बहुत बड़ा बड़ा ब्रिकेट मच्छी, ये देखो इतना बड़ा ब्रिकेट मच्छी मैंने कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम, पहली बार। अरे ये छील रहा है, ये कौन सा मछली है? वही सेम मछली छील रहे हो, ये देखो भाई। इसमें जो है भर के लेके आते हैं, खरीद के लाते हो कि या फिर तालाब वालाब से? खरीद के लेके आते हैं, मार्केट से।
खरीद के लेके आते हैं ये मार्केट से, इतना बड़ा बड़ा मच्छी यहाँ पे नरकली हाट में। और एक मच्छी यूनिक मच्छी है यहाँ पे, मतलब ये सबसे कॉस्टली मछली है इस टाइम यहाँ पे, ये पूरे मार्केट में जो है। नहीं भाई, ये पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये भाई बोल रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए, लेकिन ये भाई खुद डर रहे। डरते कि नहीं आप सिंगी मच्छी से? डरते हैं ना? डरते हैं ना? सब डरता है भाई। बताइए ये इतना महंगा क्यों मछली है सिंगी? अच्छा, ये इससे खून बनता है। मीडिया को दिखाओगे 1 kg लेकर के? नहीं, हम तो एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। 4 kg ठीक है। ये सिंगी मछली मांगुर जैसे, मांगुर होता है ना उसी टाइप का शेप का छोटा मछली होता है ये। हाँ, 200 रुपए पौवा, 800 रुपए किलो है। चलो ठीक है। और भी ये देखिए, मछली मार्केट से भी हम लोग निकल गए हैं। और ये सामने जो है चना चटपटी बेचता है, ये उधर पे जो है वो चना चटपटी बेच रहा है। और बाकी हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या पे यहाँ पे सेल हो रहा है। ये यहाँ का स्ट्रीट मार्केट देख रहे हैं, जूता चप्पल भी बेच रहे भाई, तो ये भी मिल जाएगा। और ये भी बिल्कुल मस्त। तो विशाल विशाल हो क्या? विशाल चाट भंडार वाला, वहाँ वाला तो नहीं हो? नहीं, ये दूसरा है। अब इनके पास टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमारा पेट जो है भर गया है। ये देखो भाई, पाव रोटी भी बहुत फेमस है यहाँ का, किला। और ये यहाँ पे जो है फार्मिंग का जो जितना भी आपको सामान एग्रीकल्चर में जो भी लगाने के लिए मिलता है वो सारे इनके पास यहाँ पे बीज है, तो यहाँ पे भी ये भी मिल जाता है। और हमने जो है प्याज का जो है वो ख़रीदा है, छोटे छोटे पौधा उसको लगाने के लिए। और आगे आपको यूनिक चीज़ दिखाएंगे, ये मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। ये बांस का, बाम्बू का बना हुआ रहता है, बिल्कुल पतला वो करके बनाते हैं। और ये जो है चावल और कुछ साफ़ करने के लिए, ये इसको क्या बोलते हैं? सुफा। और यहाँ के लोकल भाषा में इसको कुल्ला कहते हैं। और इसमें सामान वामान रखने के लिए ये है। और आगे हमारी गाड़ी खड़ी है, और जिससे प्याज खरीदा था देखें वो है कि नहीं है, कि वो प्याज लेके भाग गया है? नहीं है। तो ये भाई साहब से हमने प्याज खरीदा है, उनसे भी बोलेंगे भाई सब्सक्राइब कर दो यार, ये वीडियो आने वाली है। तो भाई हमने आपको बताया था कि हम जो है प्याज का पल्ली खरीदने के लिए आए थे। ये जो है हमारा प्याज सब लेंगे, प्याज का पल्ली जो है लगाने वाले हैं। और जिससे खरीदने वाले ये भाई साहब से खरीदने वाले हैं, वीडियो में देख लो। अगर प्याज नहीं हुआ, भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम रब्बानी है भाई। रब्बानी कहाँ से? मोरा से। ये मोरा से रब्बानी भाई, मैं प्याज लगाने जा रहा हूँ। अगर प्याज नहीं हुआ तो ये वीडियो फिर रब्बानी भाई तक पहुंचा देना। हाँ ठीक है। और नेक्स्ट टाइम इनके मार्केट से पूरा पैसा वसूल कर लेंगे। ठीक है रब्बानी भाई। हाँ ठीक है। चलो भाई, ठीक है।